डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए गैस इज़ फाउंड टू हैव अ फॉर्मूला COx, इट्स वेपर डेंसिटी इज 70, द एक्स इज, ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 3.0, बी दिया 3.5, सी दिया 5.0 और डी दिया है 6.5। तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, और वेपर डेंसिटी की वैल्यू आपको 70 दी गई है और फॉर्मूला भी दिया है। तो चलो, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर मॉलिकुलर वेट बाई जो होता है वो 2 होता है। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मॉलिकुलर वेट बाई 2 होता है, ठीक है। मॉलिकुलर वेट अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो मॉलिकुलर फार्मूला इसमें दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, COx है, तो इसका मतलब x तो कार्बन है, इसमें x कार्बन है, और x जो है वो कितने हैं, ऑक्सीजन है। तो भाई कार्बन का वेट कितना है, एटॉमिक वेट 12 है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। इसका मतलब है कि इसका जो मॉलिकुलर वेट आ रहा है वो 28x आ रहा है, इसका मॉलिकुलर वेट जो आ रहा है वो 28x आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमको समझ में आ गया। अच्छा, वेपर डेंसिटी कितनी दी गई है, तो वेपर डेंसिटी 70 दी गई है, इक्वल टू हो जाएगा 28x बाई 2 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 140 इक्वल टू 28 बाई इंटू एक्स हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 140 बाई 28, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है कि आंसर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 इन 2MnO4 माइनस प्लस 5H2O2 प्लस 6H प्लस गिव्स 2MN प्लस 2 प्लस 5O2 प्लस 8H2 और 17, 34, 68, 85 दिया हुआ है। किसका पूछा है, H2O2 का पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर H2O2 जो होता है उसको आप दो तरह से कंपेयर कर सकते हो। H2O2 से आप O2 को कंपेयर कर सकते हो, H2O2 से आप H2O को कंपेयर कर सकते हो। कुछ भी आप करोगे तो इक्विवेलेंट वेट को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या, एन फैक्टर जो होता है वो जितना इलेक्ट्रॉन में चेंज आता है, चेंज इन इलेक्ट्रॉन आता है पर एटम, तो उतना आप जो होता है इसका एन फैक्टर देख लेते हो कि क्या है। तो चलिए, यहाँ पर इससे हम कंपैरिजन करते हो, फिर इससे भी एक कंपैरिजन दोनों से कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर O2 से कंपैरिजन करें कि H2O से कंपैरिजन करें, किसी से भी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर एक ही आना है। चलिए देखते हो, देखो यहाँ पे H2O2 जो है वो चेंज हो रहा है O2 में, हमने ये ले लिया, पहला केस ले लिया, H2O2 चेंज हो रहा है O2 में। अब ये है क्या, ये जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो इसका मतलब ये कि इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो होता है वो परऑक्साइड बॉन्ड कहलाता है।
अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है तो माइनस वन आएगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है माइनस वन आएगा, बात समझे ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट परऑक्साइड में क्या होती है, माइनस वन होती है, इसीलिए आप इसको ओ टू टू माइनस भी लिखते हो। चलो ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, माइनस वन, बट यहाँ तो ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में तो कितना हो गया, जीरो हो गया। अब आप इसके एटम देखो कितने एटम हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ओ माइनस वन दो एटम हैं, तो एक एटम जो होगा उसमें चेंज कितने का हो रहा है, वन का, एक एटम में इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है, वन का, तो दूसरे एटम में भी कितने का चेंज हो जाएगा, वन का, तो इसका मतलब है कि टोटल एंड फैक्टर यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, बात है समझ में। तो यहाँ पर एटम आपको देखना है इन्हें मॉलिक्यूल, और एक एटम में चेंज हो रहा है वन का, और तो दो एटम में चेंज हो गया टू का, यानी एन फैक्टर यहाँ पर टू आ गया। चलिए अब हम H2O से देख लेते हैं, तो देखिए H2O2 जो होगा वो चेंज हो गया H2O में, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, माइनस वन है, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो माइनस टू है। कैसे है भाई, आपको याद आ रहा है कि वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, दो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस टू हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, दो हैं, ठीक है ना। अब एक जो है उसमें चेंज कितने का हो रहा है, वन का चेंज हो रहा है, तो दूसरे में भी चेंज होगा, वो कितने का होगा, वन का होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो दो एटम थे ऑक्सीजन के, बट यहाँ पर तो एक ही एटम है, तो भाई इसको बैलेंस करने के लिए आप टू एच टू ओ कर सकते हैं, बात समझे ना। हमेशा ध्यान रखना कि रिएक्टेंट जिसके जिसके ऊपर इफेक्ट को देखना है, जिसके चेंज देखना है, उस पर कितने एटम है वो देखना होता है, क्योंकि अल्टीमेट तो आप एक बैलेंस रिएक्शन करोगे ही, लिखोगे ही, अल्टीमेटली जब आप रिएक्शन लिखोगे केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस्ड होगी, तो वहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, जो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो सब काउंटर बैलेंस हो जाएगा, बात समझे ना। तो यहाँ पर भी एटम जो होगा वो चेंज जो आएगा वो कितने का आ जाएगा, टू का आ जाएगा। भाई यहाँ माइनस वन था माइनस टू, तो वन इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहाँ पर भी वन इलेक्ट्रॉन का चेंज, बात समझे, तो टू हो गया, एन फैक्टर टू हो गया। चलो ठीक, तो अब हम इक्विवेलेंट वेट किसका कैलकुलेट करेंगे, H2O2 का। H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट बोलो तो देखो, हाइड्रोजन का होता है वन, हाइड्रोजन टू है, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन भी टू है, टोटल कितना हो गया 34, तो ये हो जाएगा 34/2, ठीक है। एन फैक्टर क्या है, 34/2, यानी आंसर आ गया 17। 17 जो होगा यानी ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हेन 30 लीटर ऑफ H2 एंड 30 लीटर ऑफ N2 आर रिएक्टेड, अमोनिया इज फॉर्म, ठीक है भाई। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपने क्या किया कि 30 लीटर आपने लिया है N2 और 30 लीटर आपने लिया है H2 और बना दिया क्या, अमोनिया, ठीक है। कह रहा कि द यील्ड इज़ ओनली 50%, यानी कि जितना अमोनिया बनना था उसका 50% अमोनिया जो है वो बना, चलिए ठीक है। कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस मिक्सचर विल बी, इसका मतलब है कि इस गैसेस मिक्सचर का आपको कंपोजिशन बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि अमोनिया कितना बना होगा, और फिर उससे हम ये देखें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना बचा होगा, ठीक है ना। अब अमोनिया कितना बना होगा, तो इसके लिए देखिए अगर आप रिएक्शन देखोगे तो आपको यहाँ पर केस जो होगा वो LRER का केस दिखाई देगा। LRER का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का केस आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, चलो देख लेते हैं। अमोनिया की रिएक्शन लिखो तो N2+3H2 गिव्स क्या हो जाएगा, 2NH3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 1 लीटर नाइट्रोजन लिया हुआ है तो 3 लीटर हाइड्रोजन लगेगा और 2 लीटर जो होगा वो अमोनिया बनेगा। तो अगर आप 10 लीटर नाइट्रोजन ले लोगे तो 30 लीटर आपका हाइड्रोजन लगेगा और 20 लीटर जो होगा वो ये बनेगा, बात समझ आई ना, ठीक। बट आपको नाइट्रोजन कितना दिया गया, नाइट्रोजन तो आपको दे दिया गया कितना, 30 लीटर नाइट्रोजन आपको कितना दिया गया, 30 लीटर दिया गया, देखिए नाइट्रोजन 30 लीटर दिया। और हाइड्रोजन कितना दिया, हाइड्रोजन भी 30 लीटर दिया। तो नाइट्रोजन क्या किया, ज़्यादा दे दिया, नाइट्रोजन क्या दे दिया, ज़्यादा एक्सेस में दे दिया। तो इसका मतलब है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन जो होगा वो एक्सेस रिएजेंट हो गया, और ये जो होगा हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। इसको लिमिटेड अमाउंट में दिया भाई, अगर 30 लीटर आपको दिया जाए तो इसका 3 times यानी कि 90 लीटर जो होगा हाइड्रोजन आपको देना चाहिए, बात समझ में ना। लेकिन आपको हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ कितना दिया गया, 30 लीटर दिया, यानी कम दिया। कम दिया का मतलब क्या हो गया कि वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये बात समझ में आ गई, सही है भाई। तो अब हमको एक बात ये समझ में आई कि अगर मेरे पास में 30 लीटर हाइड्रोजन है तो उस केस में 10 लीटर ही नाइट्रोजन का यूज़ होगा, बात समझ आई ना, और 20 लीटर अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 50% अमोनिया बनी, इसका मतलब है कि अमोनिया कितनी बनी होगी, 10 लीटर, तो ये कितना यूज़ हुआ होगा, 15 लीटर, तो ये कितना यूज़ हुआ होगा, 5 लीटर, बोलो भाई।
वो कह रहा है कि यील्ड जो थी प्रोडक्ट की वो 50% थी, यानी कि 20 लीटर अमोनिया इससे बनती, लेकिन बनी कितनी 10 लीटर। इसका मतलब इसका यूज कितना हुआ, तो इसका यूज हुआ 15 लीटर, और इसका यूज कितना हुआ 5 लीटर। दिया कितना था, दिया था 30 लीटर, यूज़ कितना 5 लीटर, यानी कि 25 लीटर तो बच गया मेरे पास नाइट्रोजन। अब अगर 25 लीटर नाइट्रोजन का केस देखो तो एक ही आपको दिखाई देता है, आंसर क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। बट चलिए हम क्वेश्चन को पूरा पूरा देख लेते हैं। ये आपको कितना दिया था, ये आपको 30 लीटर दिया था, 15 लीटर जो था, 30 लीटर दिया था, 15 लीटर आपने यूज़ कर लिया, बचा कितना 15 लीटर, यानी 15 लीटर हाइड्रोजन जो है वो आपके पास बच जाएगा। और अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया जो होगा वो 10 लीटर बनेगा, तो अमोनिया जो होगा वो 10 लीटर मिल जाएगा, यानी जो गैसेस मिक्सचर होगा उसमें आपके पास भी ये कंपोजिशन आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, जिसमें 25 लीटर जो होगा नाइट्रोजन और 15 लीटर हाइड्रोजन और 10 लीटर अमोनिया जो होगा वो बचा हुआ होगा, और वही मिक्सचर में आपको दिखाई देगा। आंसर इसका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज, ऑप्शन ए 6.023 × 10²³, बी 12.046 × 10²³, 3.0115 × 10²³, और इनडेफिनिट बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो उस केस में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई मोल कितने हैं। तो यहाँ पर इन अ मोल बोल रहा है, यानी कि 1 मोल बोल रहा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब एन ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब कितना, 6.022 × 10²³ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा अब अगर मैं, मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन बता दो भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6.023 × 10²³ × 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एंड 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करोगे तो ये 2 एटम से मिलके बना है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा 6.023 × 10²³ और इंटू हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.046 × 10²³ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यानी आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन ए रेडॉक्स रिएक्शन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड पी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द वैल्यू ऑफ पी इज 1, 2, 3 और डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। तो देखिए किया क्या हुआ, ये है कि आपने क्या किया है कि रिड्यूसिंग एजेंट लिया है कितना 1 ग्राम, और उसकी रिएक्शन करा दी है पी ग्राम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है ना। रिएक्शन में आपसे रिडॉक्स रिएक्शन हुई है जिसमें आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है 1 ग्राम और उसकी रिएक्शन करा दी है पी ग्राम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अब वो कह रहा है कि पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी कि पी की वैल्यू आपको बतानी है, तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा देंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है हमसे, ये कहता है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक। अब इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने हैं, पी हैं, और इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कितना है, 1 है, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कितना है, पी है, ठीक है, और इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कितना है, 1 है। देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट लिखें, यानी इक्विवेलेंट इन ग्राम, या मतलब इक्विवेलेंट इन ग्राम कहते हैं, हम यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पी की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो आंसर जो होगा वो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन इज, ओजोन की वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, 16 है, 32 है, 24 है और 48 है। अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए वेपर डेंसिटी जो होती है ये इक्वल टू होती है मॉलिकुलर वेट बाई 2, ठीक
ठीक है ना, हाइड्रोजन से इसको कंपैरिजन किया गया है, हाइड्रोजन गैस से कंपेयर किया गया, तो ये मॉलिक्यूलर वेट बाई टू होता है वेपर डेंसिटी। अब ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट पता कर लो, तो देखो ओजोन का क्या होता है, O3 होता है, O3 में कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, इसका 16, इसका 16, इसका 16, टोटल कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 48 बाई कितना कर देंगे 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24। तो यहाँ पर जो आएगा वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ओजोन की वेपर डेंसिटी जो है वो 24 आएगी। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.52 ग्राम हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल ऑन इग्निशन गेव 0.995 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, तो 1.52 है, 0.995 है, 9190 है और 9 है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको ज़रा देखते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि भाई एक हाइड्रोक्साइड है और उस हाइड्रोक्साइड को आपने क्या किया, मेटल का हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है और वो मेटल ऑक्साइड में बदलना है, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, मेटल ऑक्साइड में बदलना है, ठीक है ना। तो कितना है मेटल हाइड्रोक्साइड, तो 1.52 ग्राम मेटल हाइड्रोक्साइड है और ये जो होगा वो 0.995 ग्राम जो है मेटल ऑक्साइड में बदलना है। देन आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताना है, तो आपने कंसिडर कर लिया कि भाई लेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज ई, आपने मान लिया कि भाई इक्विवेलेंट वेट मेटल का कितना होगा, ई होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड मेरे को बता दो जरा, तो आप बोलोगे कि सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और प्लस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो ई हो गया और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होगा, 17/1। वन कैसे, मतलब इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर होता है, वेयर एन फैक्टर इज द चार्ज ऑफ है, तो चार्ज होगा इसका कितना, 1 है, तो और इसका मॉलिक्यूलर वेट आप ले लो तो ऑक्सीजन का कितना, 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 17, तो 17/1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वैल्यू जो आ गई वो ई प्लस 17 आ गई, क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा, तो ये भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल होगा प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो ई हो गया और ऑक्साइड का क्या होगा, ऑक्साइड का एटॉमिक वेट जो होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है, इसमें चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 8, यानी ये ई प्लस 8 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होगा वो आपका ये आ जाएगा, सही, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, आप इसको इससे चेंज कर रहे हो, तो जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपसे ये कहता है कि इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो हम यहीं पर लगा देंगे क्या, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा देंगे, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला कुछ भी हो, जब आप एन फैक्टर को इन्वॉल्व कर ले रहे हो तो आप उसको जनरल एक फार्मूले में MOH और MO लिख सकते हो, ठीक है ना। सपोज किसी, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर हम यहाँ पर MO अगर बना रहे हैं तो ये MOH होल ट्वाइस होना चाहिए, तो मैं एक जनरल फार्मूले की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी फार्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट में आप एन फैक्टर को इन्वॉल्व कर लेते हो तो फार्मूले से आपको मतलब नहीं रहता है उतना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो देखिए आपको वेट दिया हुआ है, अगर वेट से आप इक्विवेलेंट को चेक करो तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है क्या, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अच्छा ये इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट वेट किसका है, मेटल हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट किसका होगा, मेटल ऑक्साइड का, ठीक है। अच्छा अब मेटल हाइड्रोक्साइड का वेट दिया है, हाँ भाई दिया है, तो कितना दिया है, तो ये वैल्यू होगी 1.52। क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड पता है, हाँ पता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड ई प्लस 17 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई प्लस 17 इक्वल टू, क्या वेट हमको दिया हुआ है मेटल ऑक्साइड का, हाँ दिया है, 0.995 ग्राम दिया हुआ है, तो 0.995 हो जाएगा, बाई क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड पता है क्या, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड पता है, ई प्लस 8 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई प्लस 8। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.52 ई हो जाएगा और प्लस 1.52 इंटू 8 हो जाएगा इक्वल टू आपका हो जाएगा जाके 0.995 ई
और प्लस हो जाएगा 0.995 × 17, सही है ना। ठीक, अब ई वाला एक साथ ले लो तो ये हो जाएगा आपका 1.52e माइनस होगा 0.995e, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 0.995 × 17 और माइनस हो जाएगा आपका 8 × 1.52। आप इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद में जब आप इसका आंसर लाएंगे तो ये आंसर जो होगा वो 9.057 आएगा। ये अगर आप इसमें ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9.057, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो 9 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द एटॉमिक वेट एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी एलिमेंट इज कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेट 6.4, दिस इज नोन एज। ऑप्शन ए डाल्टन्स लॉ, ऑप्शन बी है अवोगैड्रोस लॉ, ऑप्शन सी है न्यूटन्स लॉ और ऑप्शन डी है ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ। तो देखिए, आपको एक बातें समझ में आती है कि एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट का जो रिलेशन दिया था वो किसने दिया था, ड्यूलॉन्ग पेटिट ने दिया था, ड्यूलॉन्ग पेटिट ने दिया था। और एक्चुअल में सॉलिड के लिए इन्होंने दिया था, जो सॉलिड स्पीसीज हैं या सॉलिड कंपाउंड्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए क्या था। तो यहाँ पर यह था कि एटॉमिक वेट इंटू स्पेसिफिक हीट, अगर आप एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट जो है वो 6.4 आती है। और यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर लेते थे, बट ये रूल जो है वो फेल हो गया था डायमंड के लिए। डायमंड की जो होती है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, डायमंड जो है वो हाईली स्पेसिफिक हीट को रखता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए में ये फेल हो गया था। तो ये जो है वो ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ है, ठीक है ना। तो डायमंड की स्पेसिफिक हीट को ये नहीं बता पाया था, कौन नहीं बता पाया था, ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर जो होगा वो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 100 amu ऑफ हीलियम 2H4 आर। ऑप्शन ए 25, बी 100, सी 50 एंड डी 100 × 6 × 10⁻²³। ठीक है ना, चलिए भाई देख लेते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ एटम्स आपको बताने हैं, यहाँ पर है नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं और कितने 100 amu में बताना है। ठीक, amu क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। किससे कैलकुलेट करते हैं, तो वन एटम का जो वेट होता है, वन एटम का यानी 6.022 × 10²³ एटम्स का नहीं, अगर 6.022 × 10²³ एटम्स का लोगे, वन एटम का वेट अगर ले रहे हो, वन एटम का अगर हीलियम का वेट ले रहे हो तो वो आएगा 4 amu, एटॉमिक मास यूनिट, ये आएगा एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन यहीं पे अगर आप एन एटम्स का ले लोगे, एन एटम का मतलब 6.022 × 10²³ एटम्स का ले लोगे तो वो हो जाएगा 4 ग्राम, सही है ना। ठीक, अब जरा यहाँ पर एक बात कर लो। देखो, आपसे क्या कह रहा है कि भाई, आपसे कह रहा है कि 100 amu में आपको हीलियम एटम बताने, तो आप बोलोगे सर 4 amu में मेरे पास 1 हीलियम एटम है, तो अगर मैं 100 amu को कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1/4 × 100 यानी वैल्यू आ जाएगी 25। तो इसका मतलब है कि आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसनट्रेट HNO3 सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 molar HNO3, द कंसनट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। ठीक है भाई, चलो पहले देखते। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुमसे कह रहा है कि भाई तुमको क्या करना है कि ग्राम कैलकुलेट करने हैं, और किसके कैलकुलेट करने हैं, कंसनट्रेट HNO3 के सैंपल के कैलकुलेट करने हैं, इसका वेट पता करना है तुमको। और क्यों, क्योंकि इससे तुमने क्या किया है, 250 ml और 2 molar HNO3 सॉल्यूशन का प्रिपेयर किया है और जो कंसनट्रेटेड एसिड है वो 70% बाय वेट होगा, बात समझाई ना। यानी कि अगर 100 ग्राम जो है वो सैंपल है तो इसका मतलब कि 70 ग्राम जो है वो HNO3 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखो अब तुमको क्या करना है, तुमने 250 ml 2 molar HNO3 तुमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक काम करो कि इससे वेट पता करो कि कितना HNO3 जो होगा इसको प्रिपेयर करने में लगा, और फिर उसको कंपेयर कर दो इस वाले वेट से, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि सैंपल का कितना वेट जो होगा वो यूज्ड होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है।
सबसे पहले हम वेट कैल, हमें मोलैरिटी और इनटू वॉल्यूम दिया हुआ, तो यहाँ से हमें वेट मोल पता चल जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से मोल पता चल जाएंगे, और मोल से हमें वेट पता चल जाएगा HNO3 का, जो कि इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में लगा है। और उससे हम क्या करेंगे, 70% से कंपेयर करके इसका वेट पता कर लेंगे कि सैंपल का वेट कितना लगेगा, यूज्ड होगा उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई मोल्स ऑफ HNO3, तो मोल्स ऑफ HNO3 जो होगा ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितनी दी गई, 2, वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया, 0.25, बात समझ में 0.25, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी, तो 0.5 मोल्स दिए हैं, ठीक है ना। अब अगर हमको वेट पता करना हो तो वेट ऑफ HNO3, तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स इनटू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स कितना है, 0.5 है, और मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है, 63। कैसे है भाई, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, प्लस 3 इनटू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो गया, 15, प्लस ये कितना हो गया, 48 हो गया, बस में ये वैल्यू आ गई कितनी, 63, तो 63 ग्राम हो गया। अब इसका हाफ कर दो तो 62 का होता है 31, और 63 का हो जाएगा 31.5, 62 का होता 31, तो ये 31.5 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो आपने प्रिपेयर किया सॉल्यूशन है उसमें 31.5 ग्राम HNO3 का यूज़ किया। तो कह रहा कि सैंपल कितना आपने मिलाया होगा, कितना सैंपल मिलाया होगा अगर वहाँ पर 70% बाई वेट HNO3 होगा। बाई वेट नहीं दिया है इस यहाँ पर, लेकिन आप बाई वेट मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर वेट पता किया हुआ है, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि अगर आपके पास में 70 ग्राम HNO3 है तो आपको सैंपल लेना पड़ेगा 100 ग्राम। तो अगर आपको ये वाला से इतना HNO3 चाहिए होता 31.5, तो कित क्या हो जाता, तो हो जाएगा 100 बाई क्या होगा, 70 इंटू 31.5 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 45 ग्राम आ जाएगी, कंसंट्रेटेड HNO3 सैंपल, ठीक है ना। तो ये वैल्यू 45 ग्राम आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आंसर आपका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.004 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज क्लोज टू, ऑप्शन ए दिया है 24, बी दिया 2 × 10^20, सी दिया 10^20, और डी दिया 6.02 × 10^23। आपको क्या पता करना है, नंबर ऑफ एटम्स पता करने, किसके पता करने, मैग्नीशियम के पता करने हैं, ठीक है ना। आपको नंबर ऑफ एटम्स पता करने, किसके, मैग्नीशियम के पता करने। अच्छा एक बात बताओ कि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, अगर मैं बताऊं बात करूं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम के मोल पता चल जाए और उससे हम Na से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इसके एटम्स होंगे, चलो ठीक है। अब मोल्स क्या हो जाएगा, वेट दिया हुआ है और एटॉमिक वेट इसका पता है, आ जाएगा भाई, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ मैग्नीशियम बाय एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम, और इनटू क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। मैग्नीशियम का वेट कितना है, तो मैग्नीशियम का वेट 0.004 है भाई, एटॉमिक वेट कितना है, तो एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का 24 है, और इनटू क्या हो जाएगा, Na, Na को मैं 6 × 10^23 लिख रहा हूँ, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो जाएगा, ये 4 जा हो जाएगा, और यहाँ से 4 ये 1 जा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, 0.001 × 10^23 लिख सकते हो, यानी कि 10^-3 × 10^23 लिख सकते हो, यानी कि 10^20 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 10^20। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट कंपोजिशन। तो पहले चारों जरा एक मिनट के लिए बस समझ लेंगे और उसके बाद बात करें। देखिए रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है वो आपसे ये कहता है कि आपके पास अगर 3 एलिमेंट हैं और उनमें 2 एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे CO जो है कार्बन इसके साथ रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके सपोज करिए CH4 बना रहा है, देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो उनमें यही रेशियो आएगा जो कि इसके कार्बन के साथ है। तो देखिए कार्बन के यहाँ पे कितने मोल है, 1 मोल है, यहाँ पर भी कितना, 1 मोल है, तो हाइड्रोजन कितने मोल है, 4 है, तो हाइड्रोजन का मतलब कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2, यानी H4O2 जो होगा वो यहाँ पर बनेगा,
ठीक है, ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। बट आपको देखिए, आप इसे कह रहे हैं कि CO एंड CO2 की बात कर रहा है, तो CO एंड CO2 इन थ्री एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं है। तो थ्री भाई, इसके लिए थ्री एलिमेंट्स चाहिए ना रेसिप्रोकल के लिए, तो रेसिप्रोकल के लिए थ्री एलिमेंट्स चाहिए, यानी ये नहीं होगा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ये कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना टोटल मास प्रोडक्ट का होगा। बात समझ, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। बट ये तो फॉर्मेशन की बात कर रहा है, CO एंड CO2 का जो फॉर्मेशन है वो किसको बता रहा है? तो जैसे सपोज करिए आपने CO2 का फॉर्मेशन कर लिया और फिर CO का फॉर्मेशन किया, तो इन दोनों का मास जो होगा उसका कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेशन थोड़ी ना है। वो तो ये कहता है कि रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, तो प्रोडक्ट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास थोड़ी ना कहता है वो, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो फिर आपको एक बात समझ में आ गई कि ये भी जो होगा वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट होता है उसका फिक्स मास होता है, एक एलिमेंट जो होता है उसका फिक्स मास होता है और वो दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास के साथ रिएक्शन करता है और डिफरेंट मास के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये होता है कि एक एलिमेंट जो होता है उसका मास फिक्स होता है और वो दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास के साथ रिएक्शन करता है और डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो जो डिफरेंट एलिमेंट है उसका मास जो होता है उसका रेशियो जो होता है एक सिंपल रेशियो होता है, जैसे यहाँ पर 1:2 का रेशियो आप देख रहे हो इसका ऑक्सीजन का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि C जो होगा वो करेक्ट होगा, कि C जो होगा वो मल्टीपल प्रोपोर्शन को बता रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 फॉलो दिस लॉ, यानी कि मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, तो देखिए कॉन्स्टेंट कंपोजिशन आपसे ये कहता है कि ये CO2 को आप किसी भी मेथड से बना रहे हो, CO2 को आप किसी भी मेथड से बना रहे हो। जैसे आपने कहा कि हम सर C प्लस O2 से CO2 बनाएंगे, ठीक है, आपने बोला कि सर हम क्या करेंगे NaHCO3 जो होगा उसको ब्रेक करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो किसी भी मेथड से अगर आप CO2 बना रहे हो तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो बाय मास होता है वो क्या होता है, फिक्स मास होता है। बस में ये कांस्टेंट कंपोजिशन होता है। तो उस हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की बात करी गई है जबकि यहाँ दो मॉलिक्यूल की बात की गई है, और दो मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सिर्फ एक ही मेथड आपको समझ में आ रहा है, वो क्या है, सी है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कंपाउंड ऑफ एक्सी एंड एफ इज फाउंड टू हैव 53.5% ऑफ ज़ीनॉन, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ीनॉन इन दिस कंपाउंड। आपको दिया है -4, फिर दिया 0, फिर दिया +4, +6 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले काम करो कि सबसे पहले तो ये देखो कि कंपाउंड क्या है, और जब कंपाउंड पता चलेगा तब फिर हम उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर पाएंगे कि क्या होगी। तो बात समझ में ना ज़ीनॉन की, तो उस हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। देखिए ज़ीनॉन जो है वो आपको कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि भाई एक कंपाउंड है ज़ीनॉन का और फ्लोरीन का है, जिसमें ज़ीनॉन जो है वो 53.5% है। तो इसका मतलब फ्लोरीन जो होगा वो कितना होगा, 100 - 53.5, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 46.5%, ये हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि अगर ज़ीनॉन 53.5 ग्राम है तो फ्लोरीन 46.5 ग्राम जो है होगा। तो चलिए ठीक है भाई, ज़ीनॉन हमारे पास कितना है, 53.5 ग्राम है, और फ्लोरीन जो है वो हमारे पास 46.5 ग्राम है। यहाँ से इसके हम मोल निकाल के सिंपल रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हम एम्पेरिकल फार्मूला में केस लगाते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये हो जाएगा 53.5 डिवाइडेड बाई 131.2, ठीक है ना, और ये वैल्यू जो होगी वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 4 के आ जाएगी, ठीक है, 0.4 समथिंग आ जाएगी, सॉरी 0.4 के आसपास आ जाएगी, हाँ 0.4 आ जाएगी। यहाँ पर इसको देखें तो ये 46.5 डिवाइड बाई कितना है, फ्लोरीन का कितना होता है, 19 होता है, तो ये वैल्यू जो होगी वो 2.4 आ जाएगी। अब यहाँ पर आप सिंपल रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, सिंपल रेशियो में जो वैल्यू सबसे कम आती है उससे इसे आप डिवाइड करते हो, तो 0.4 यहाँ पर कम है, तो 0.4 बाई क्या हो जाएगा, 0.4, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पर 2.4 बाई क्या हो जाएगा, 0.4, तो ये वैल्यू 6 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्सी अगर 1 है तो फ्लोरिन कितने, 6 हैं, यानी कंपाउंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सी एफ 6 हो जाएगा। कंपाउंड अगर एक्सी एफ 6 हो जाएगा तो फिर ज़ीरोन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, तो ज़ीरोन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1.25 ग्राम सैंपल ऑफ Na2CO3 एंड Na2SO4 इज डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन।
25 ml of this solution neutralizes 20 ml of 0.1 normal H2SO4. The percentage of Na2CO3 in this sample is, और ऑप्शन ए आपको दिया है 84.8%, बी दिया 8.48%, सी दिया 15.2% एंड डी दिया 42.4%। तो भाई चलो देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सैंपल है आपके पास में 1.25 ग्राम का, और इस सैंपल में Na2CO3 है और साथ में Na2SO4 है। अब इसको आपने क्या किया, डिसॉल्व करके 250 ml इसका सॉल्यूशन बना लिया, अच्छी बात है, और 25 ml इससे सॉल्यूशन लिया आपने, एक अलग से बीकर में 25 ml सॉल्यूशन लिया, ठीक है। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने क्या किया, 20 ml 0.1 नॉर्मल जो है वो H2SO4 का यूज़ किया। जना आपसे कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द सैंपल बताइए, परसेंटेज ऑफ Na2CO3 बताना है सैंपल में कि ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, सही है ना। चलो भाई ठीक, अब अगर हमको ये वेट इसका पता चल जाए, इसका वेट हमको Na2CO3 का पता चल जाए, तो वेट बाई टोटल वेट इंटू 100 लगा के हम इसके परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि हमको वेट पता करना। अब एक बार जरा सोचो कि तुम्हारे पास में Na2CO3 और Na2SO4 है, तुम्हारे पास क्या है, Na2CO3 है और Na2SO4 है, और तुम उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हो H2SO4 के साथ, तो मतलब कि इसके साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा ये Na2SO4 के साथ, और रिएक्शन किसके साथ करेगा, Na2CO3 के साथ करेगा। यानी कि ये जो आपने लिया हुआ है, ये इक्विवेलेंट जो होंगे वो Na2CO3 के इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएंगे, और इसी से Na2CO3 का हम वेट यहाँ पर पता कर लेंगे। मान लेते हैं कि ये Na2CO3 यहाँ पर x ग्राम रहा होगा और ये 1.25 माइनस x ग्राम हो जाएगा। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आपसे नहीं पूछ रहा है, दोनों के परसेंटेज के बारे में नहीं पूछ रहा, आपसे सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा है। तो आप इसको x ग्राम जो है वो कंसीडर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने क्या बोला, आपने कहा भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 जो होगा ये सॉल्यूशन, मतलब मैं Na2CO3 सॉल्यूशन ही कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि उसी के साथ ये जो होगा वो रिएक्शन करेगा, इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ठीक। नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिया हुआ, तो N1V1 ऑफ दिस इक्वल टू हो जाएगा क्या, N2V2 ऑफ दिस। अब N1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इंटू V1 की वैल्यू 25 ml आपने लिया हुआ है, इक्वल टू N2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0.1 है, और इंटू V2 की वैल्यू 20 है, सही है ना। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 2/25 नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ पर नॉर्मेलिटी जो आ रही है वो 2/25 नॉर्मल आ जाएगा। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा के हम वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए नॉर्मेलिटी जो होता है ये इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या होता है 1000 बाई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बात समझ आई ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कौन सा लोगे, तो भाई हमको इसमें पता करना है ना, तो इस सॉल्यूशन इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही लेंगे। बात समझ आई ना, हमको इतने से पता, इससे थोड़ा सा हमने लिया, तो इससे हमने जब थोड़ा सा लिया तो हमको नॉर्मेलिटी पता चल गई, जो नॉर्मेलिटी इसकी होगी वही नॉर्मेलिटी इस सॉल्यूशन की होगी, जो नॉर्मेलिटी इस सॉल्यूशन की होगी वही नॉर्मेलिटी इस सॉल्यूशन की होगी। तो अब नॉर्मेलिटी हमको इसकी पता चल गई है, वॉल्यूम हमको इसका पता है, तो अब यहाँ पता करेंगे कि कितना वेट Na2CO3 का हमको मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, नॉर्मेलिटी हमने पता की तो ये वैल्यू आती है 2/25 आती है, इक्वल टू वेट हमको पता करना है Na2CO3 का, इंटू हो जाएगा क्या 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3। अब जरा एक बात आप देखो कि Na2CO3 की अगर आप बात करते हो तो इसका एन फैक्टर कितना है, तो ये 2 Na प्लस है और CO3 पे 2 माइनस, जितना कैटाइन या एनायन का चार्ज होता है उतना एन फैक्टर होता है, तो यहाँ पर एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अच्छा, मॉलिकुलर वेट जरा इसका कैलकुलेट कर लो, तो मॉलिकुलर वेट 2 × सोडियम का एटॉमिक वेट कितना, 23 प्लस कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस 3 × ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना 16, ये वैल्यू आती है 106, ठीक। इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर, यानी हो जाएगा 106/2, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 53। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कितना, 53 लिख दिया, इंटू वॉल्यूम ऑफ ml में कितना है 250, तो ये 250 हो जाएगा। अब देखिए 254 जो होगा वो 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। WB की वैल्यू आपको पता करनी, तो चलिए हम देख लेते हैं, तो WB को यहीं पर रखते हैं, 53 आ जाएगा इधर से, तो 2 × हो जाएगा 53 और डिवाइड बाई 25
इंटू जो है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टू जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि आपके पास 53 बाई कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 53 बाई 50 ग्राम ये हो जाएगा। ठीक, तो आप Na2CO3 जो होगा वो 53 बाई 50 ग्राम जो है वो आ गया, सही है ना। चलिए अब इसकी परसेंटेज जरा निकाल लो। तो परसेंटेज इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1.06 ग्राम। बात समझिए, आप इसको डिवाइड करके देख लेना। अगर आप नहीं करो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऊपर 106 हो जाएगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 106 हो जाएगा, नीचे 2 से तो 100 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आएगी वो 1.06 ग्राम आ जाएगी, सही है ना, क्लियर है ना। इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 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 किया, तो ये हो जाएगा 106, ये 100 हो जाएगा और 1.06 ग्राम आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब हमको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.06 ग्राम आ गई। तो भाई आप इसकी परसेंटेज निकाल लो। तो परसेंटेज 1.06 बाई क्या हो जाएगा, 1.25 इंटू क्या हो जाएगा, 100। और ये वैल्यू आती है 84.6%। ठीक है ना, तो अब आपको 84.8% आती है, कैलकुलेट करके देख लेना भाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि द नॉर्मेलिटी ऑफ 26% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, डेंसिटी दी गई है 0.855 ग्राम पर ml, इज अप्रॉक्सीमेट। ऑप्शन ए 1.5 दिया है, बी दिया है 4.4, सी दिया है 15.3 एंड डी दिया है 4। तो देखिए नॉर्मेलिटी आपसे पूछ रहा है और आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और साथ में डेंसिटी दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेंसिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका सीधे नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से ही निकल जाएगा। तो नॉर्मेलिटी और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में रिलेशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू 10 बाई होता है ईबी। ईबी क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट जो है वो अमोनिया है। अमोनिया का आयन फैक्टर कितना होता है, तो अमोनिया का आयन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। क्यों, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और डोनेट करने की वजह से इसका एन फैक्टर जो आता है लुईस बेस है और इसका एन फैक्टर कितना आता है 1। तो फिर इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू आता है मॉलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। मॉलिकुलर वेट कितना अमोनिया का, तो इसका 14 है और इसका 3 है। ठीक है, टोटल कितना 17 हो गया, तो 17 बाई क्या हो जाएगा, एन फैक्टर कितना 1 है, तो टोटल ये वैल्यू आ गई 17। ठीक है ना, सही। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 26 दिया है, एन टू क्या होगा 10 बाई कितना होगा 17। और ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 15.3 नॉर्मल ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि आपका ऑप्शन जो करेक्ट आएगा वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन हैव मास रेशियो ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन एज 6:1:24। आपको यह बताना है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 6:1:24 है, तो ये किस तरह से होगा। ठीक है ना, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए दिया है HO और फिर ये ब्रैकेट में C डबल बॉन्ड हो, फिर OH दिया है, उधर साइड HO और ये C डबल बॉन्ड हो H दिया है, फिर H C डबल बॉन्ड हो H दिया है और फिर उधर CH3O और C डबल बॉन्ड हो H दिया हुआ है। देखिए बहुत ही सिंपल जो है वो क्वेश्चन है और आप इसको जो है वो एम्पिरिकल फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूले में आप क्या करते थे, यहाँ पर एक बात जरा देखिए कि यहाँ पर मास रेशियो दिया है, तो आपने इसको मान लीजिए कि ये कार्बन जो है वो 6 ग्राम है और हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम है और इसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 24 ग्राम है। ठीक, अब आप इसको क्या कर रहे थे, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर रहे थे, तो 6/12 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा और यहाँ पर 24/16 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी 1/2 आ जाएगी, यानी कि 0.5 आ जाएगी, ये वैल्यू 1 आ जाएगी और ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1.5 आ जाएगी। अब जब आप सिंपल रेशियो निकालते हैं तो सिंपल रेशियो में जो सबसे कम वैल्यू आती है उससे आप क्या करते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 0.5 सबसे कम है, तो 0.5/0.5 हो जाएगा, यानी वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद में 1/0.5 हो जाएगा, वैल्यू 2 आएगी और 1.5/0.5 हो जाएगा तो वैल्यू 3 आएगी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर कार्बन की वैल्यू जो है वो 1 है, हाइड्रोजन की 2 है और ऑक्सीजन की कितनी 3 है। बस अब देख लीजिए कि कार्बन 1 हो, कार्बन 1 सभी में है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 तो देखिए पहले में 2 है और ऑक्सीजन 3 है, तो 1, 2, 3 है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सेकंड में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जो होंगी वो 2 है लेकिन ऑक्सीजन भी 2 है। थर्ड में अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है और फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है ना, तो हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाए। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ़ अ 25 ml सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज टाइटेटेड विद 50 ml ऑफ 0.025 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड टू ए फिनोथलीन द एंड पॉइंट सॉरी फिनोथलीन एंड पॉइंट व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द एसिड. ऑप्शन ए दिया है 0.02 molar, ऑप्शन बी 0.1 molar, ऑप्शन सी 0.025 molar एंड ऑप्शन डी 0.05 molar. क्या कह रहा है भाई आपसे, ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर आपके पास में एक सल्फ्यूरिक एसिड का सैंपल है और उसके उसके कितना लिया 25 ml और इस 25 ml को आपने टाइट्रेट किया आपने 50 ml आपने टाइट्रेट किया है 50 ml और 0.025 molar NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने इसको टाइट्रेट कर दिया. ठीक, फिर आपने इंडिकेटर भी डाल दिया एंड पॉइंट के लिए कि एंड पॉइंट जो है वो क्या आ रहा है, तो एंड पॉइंट आपको पता चल गया है. अब कह रहा है कि मोलैरिटी आप बताइए कि एसिड की मोलैरिटी क्या होगी. तो देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कैसी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दोनों के इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे. जब दोनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे तो N1V1 ऑफ H2SO4 जो होगा ये इक्वल टू हो जाएगा क्या, N2V2 ऑफ NaOH. सही है ना, ये क्या है नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी N1V1 ऑफ H2SO4 इक्वल टू N2V2 ऑफ NaOH होगा क्योंकि इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस होगा. बट आपको डेटा तो मोलैरिटी का दिया तो इसको मोलैरिटी में चेंज कर लेते हैं. तो आपको मालूम है कि नॉर्मेलिटी जो होता है ये क्या होता है, N फैक्टर इनटू मोलैरिटी होता है. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम ये लिख देते हैं N1V1 इक्वल टू हो जाएगा M2N2 और V2 हो जाएगा. ठीक, अच्छा अब ये NaOH का N फैक्टर क्या होगा, तो NaOH का N फैक्टर 1 होगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये 1OH आयन दे रहा है. H2SO4 का N फैक्टर कितना होगा, तो ये 2H प्लस आयन दे रहा है तो इसलिए इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो मोलैरिटी हमको पता करनी है, किसकी पता करनी है, H2SO4 की. तो ये जो क्या हो जाएगी M1 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम कितना लिया तुमने, तो वॉल्यूम तुमने लिया 25 ml. ठीक है ना, वॉल्यूम 25 ml इक्वल टू M2 जो है वो इसका कितना है, M2 जो है 0.025 है इंटू N2 की वैल्यू N फैक्टर कितना है NaOH का 1 है इंटू V2 तुमने कितना लिया है, तो ये 50 लिया हुआ है. तो अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा. ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब मोलैरिटी आपकी जो आ गई वो 0.025 molar आ जाएगी. ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ द एसिड इज 0.025 molar और ऑप्शन यहाँ पर सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगो ए सीरीज ऑफ डिके अकॉर्डिंग टू द स्कीम. ए ने अल्फा पार्टिकल को एमिट किया तो ये बन गया A1, A1 ने बीटा पार्टिकल एमिट किया तो ये बन गया A2, A2 ने अल्फा पार्टिकल फिर एमिट किया तो ये बन गया क्या A3, और A3 ने गामा पार्टिकल एमिट किया तो ये बन गया क्या, गामा रेज एमिट किया तो ये बन गया A4. कह रहा है कि इफ़ द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ ए आर 180 एंड 72, यानी ए के इसने मास नंबर और एटॉमिक नंबर आपको दे दिए रिस्पेक्टिवली, देन वॉट आर दीज नंबर फॉर A4. A4 के लिए पूछ रहा है कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होंगे. ऑप्शन ए दिया हुआ 172 एंड 69, बी दिया है 174 एंड 70, सी दिया है 176 एंड 79 एंड डी दिया है 176 एंड 70. तो चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट आप समझ लो. देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सपोज करिए कि मेरे पास 7N14 है और मैंने इससे क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट किया. आपको पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है. ये क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है और हीलियम न्यूक्लियस है यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल दिए हैं. एटॉमिक नंबर इसका 2 है और एटॉमिक मास इसका कितना 4 है. अब मैंने कहा भाई क्या बनेगा, तो आपने कहा कि सर देखिए यहाँ एटॉमिक नंबर 7 है तो यहाँ पर जो भी आएगा उसका उसका और प्लस इसका सम 7 होना चाहिए. तो मैंने भाई 2 आ चुका है तो अब क्या आएगा, तो तुमने बोला सर 5 आएगा. एक बात ज़रा समझ रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ. यहाँ पर एटॉमिक नंबर 7 है तो यहाँ पर जो भी स्पीसी आएगी उसका एटॉमिक नंबर प्लस ये एटॉमिक नंबर मिलाकर 7 होना चाहिए क्योंकि बैलेंस रिएक्शन आपको करनी है. तो 5 एटॉमिक नंबर जो होता है वो बोरॉन का होता है, तो बी लिख दिया. ठीक, अब एटॉमिक मास यहाँ पर कितना 14 है, यहाँ पर कितना 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए 10. तो अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 10, यानी कि 5B10 बनेगा. अब मैंने क्वेश्चन बोला, मैंने कहा भाई ये बात बताओ कि यहाँ पर जो नया स्पीसी बना है उसके एटॉमिक नंबर में कितने की डेफिशिएंसी होगी, तो तुमने बोला कि सर 2 की जो होगी वो डेफिशिएंसी हो गई, मतलब 2 जो होगा वो कम हो गया, एटॉमिक नंबर 7 था 5 हो गया, 2 कम हो गया, एटॉमिक नंबर 2 घट जाता है.
एटॉमिक मास में क्या हुआ, तो एटॉमिक मास में अगर आप बोलोगे तो सर 4 की डिफिशियंसी हो गई है, बात समझे, एटॉमिक मास यानी कितना घट गया, 4 घट गया। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि अगर आप अल्फा पार्टिकल जो है इमिट करोगे तो उसमें एटॉमिक नंबर में 2 की डिफिशियंसी हो जाएगी और एटॉमिक मास में जो है वो 4 की डिफिशियंसी हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जरा देख लेते हैं। चलो भाई मैंने क्या किया, इससे बीटा पार्टिकल एमिट किया। बीटा पार्टिकल जो होता है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो -1 β 0 है, ठीक है ना, इसको -1 β 0 लिखते हैं, ठीक। अब मैंने फिर से बोला कि यहाँ पर जो भी, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो यहाँ प्लस यहाँ का 7 होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर 8 कर दूँ तो 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 8 कर दूँ तो 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपने कहा ठीक है, अब 8 एटॉमिक नंबर किसका है, 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, सही है ना, ठीक। अब मैंने कहा भाई एटॉमिक मास बोलो, तो तुमने बोला सर 14 होता है, तो मैंने कहा यहाँ पर और प्लस ये वाला सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 14 होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि बीटा पार्टिकल अगर आप इमिट कर रहे हो तो उस केस में एटॉमिक नंबर जो होगा ये 1 जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, बात समझे ना, यहाँ पर 7 है तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब एक बात हमको समझ में आती है कि अगर अल्फा पार्टिकल आप इमिट करते हो तो 2 की डिफिशियंसी एटॉमिक नंबर में और 4 की डिफिशियंसी जो होती है एटॉमिक मास में होती है, लेकिन अगर आप बीटा पार्टिकल इमिट करते हो तो 1 इंक्रीमेंट हो जाता है किसमें, एटॉमिक नंबर में। अब गामा रेज का देखो तो रेज है तो ये जो होती हैं वो इफेक्ट नहीं डालती हैं, यानी इनसे जो होता है कि पूरे ना तो एटॉमिक नंबर पर इफेक्ट पड़ता है ना एटॉमिक मास पर इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, अब देखते हैं। तो सबसे पहले एक हमको दे दिया 72 एटॉमिक नंबर और 180 एटॉमिक मास है, तो मेरे पास हो गया 72 A 180 हो गया। अब इसने क्या करा, अल्फा पार्टिकल को एमिट किया। अल्फा पार्टिकल को जब एमिट करेगा तो बनाएगा क्या, A1 बनाएगा। तो भाई A1 इसने क्या किया, बना लिया, चलिए भाई ठीक। अब अल्फा पार्टिकल एमिट किया है तो क्या होगा, 4 की डिफिशियंसी हो जाएगी किसमें, सॉरी 2 की डिफिशियंसी हो जाएगी एटॉमिक नंबर में। तो एटॉमिक नंबर में 2 की डिफिशियंसी होगी तो 70 हो गया, ठीक है ना, और एटॉमिक मास में 4 की डिफिशियंसी यानी कि 176 हो गया। तो ये तो मेरे पास A1 हो गया। अब A1 ने क्या किया, बीटा पार्टिकल को एमिट किया। A1 ने क्या किया, बीटा पार्टिकल को एमिट किया। अगर वो बीटा को एमिट करता है तो एटॉमिक नंबर कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो 1 बढ़ जाएगा यानी ये कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो 71 और ये क्या था, A2 हो गया। एटॉमिक मास में कुछ आएगा नहीं, एटॉमिक मास वैसे का वैसा रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 176। अब A2 ने फिर क्या किया, अल्फा पार्टिकल को एमिट किया। अब A2 जब अल्फा पार्टिकल एमिट किया तो बना दिया क्या, A3 बना दिया। तो A3 बनाने पर क्या हुआ, उसके एटॉमिक नंबर में कितने की डिफिशियंसी आ गई, 2 की। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69 आ जाएगी, ठीक है ना, और एटॉमिक मास में कितनी आ गई, 4 की। तो ये हो जाएगी 172 हो जाएगा, सही। अब A3 ने क्या किया, A3 ने गामा रेस को किया। गामा रेस से कुछ होता नहीं है तो बनेगा जो A4 वो A3 के जैसा ही होगा, यानी क्या हो जाएगा, 69 और ये क्या हो जाएगा, 172। बस अब आप देख लीजिए कि 69 और 172 आपको किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बोरॉन रॉड्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज्ड टू, ऑप्शन ए है एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स, बी है एब्जॉर्ब अल्फा पार्टिकल्स, सी है स्लो डाउन द रिएक्शन, एंड डी है स्पीड अप द रिएक्शन। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें बोरॉन रॉड्स का यूज किया जाता है, और जो बोरॉन रॉड्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब गुड एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन है तो जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि उस हिसाब से ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हेन 92 यूरेनियम 235 अंडरगोज फिजन, 0.1% ऑफ इट्स ओरिजिनल मास इज चेंज इनटू एनर्जी। आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि 92 यूरेनियम 235 का आपने फिजन किया तो जो 0.1% जो इसका ओरिजिनल मास है वो जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, एनर्जी में, सही है भाई। कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज़ रिलीज्ड इफ 1 kg ऑफ 92, यानी कि आपसे कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन 1 kg ऑफ 92 यूरेनियम 235 अंडरगोस फिजन, ठीक। तो आपने कितना मास लिया, 1 kg लिया, 1 kg का कितना परसेंट एनर्जी में चेंज होगा, तो 0.1% जो होगा वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मास ऑफ यूरेनियम चेक कर लीजिए कि कितना यूरेनियम जो होगा वो चेंज होगा एनर्जी में, तो ये हो जाएगा 1 kg का कितना हो जाएगा, 0.1%, ठीक है भाई,
सही है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10^-3 kg आ जाएगी। तो 10^-3 kg जो होगा वो यूरेनियम चेंज हो जाएगा किसमें, एनर्जी में, अगर हम 1 kg यूरेनियम लेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसकी एनर्जी हमको कितनी मिलेगी, तो फार्मूला लगाएंगे E=mc² से। m की वैल्यू 10^-3 है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3×10^8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 9 × ये वैल्यू आ जाएगी 10^-3 × ये हो जाएगा 9×10^16 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9×10^13 जूल। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि आंसर यहाँ पर जो होगा वो डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आफ्टर 2 hours 1/16th ऑफ द स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ अ सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेंड अनडिकेड द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप इज। आपसे कह रहा है कि भाई 2 घंटे के बाद में, 2 hours के बाद, यानी क्या हुआ कि ये कुछ अमाउंट था आपके पास में जो कि इनिशियल अमाउंट था एंड नॉट, ठीक है ना, यहाँ पे किसी सब्सटेंस का इनिशियल अमाउंट जो था वो आपके पास क्या था, एन नॉट था, और आफ्टर 2 hours जो है यानी कि एन टी ये कितना हो जाएगा, ये 1/16th हो गया, ठीक है ना, 2 hours। ठीक, तो कह रहा कि जो है कह रहा कि हाफ लाइफ आपको बताना है, यानी कि आपको टी हाफ की वैल्यू बतानी है, टी हाफ की वैल्यू जो है वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए आपको अगर एन नॉट और एन टी से रिलेटेड एक अगर फार्मूला की बात मैं करूं जिसमें आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ को कैलकुलेट करते हो, तो आपको याद आ रहा है कि आप फार्मूला लगाते हो एन टी बाई एन नॉट इक्वल टू 1/2 n, वेयर n इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ था। ठीक है ना, अच्छा अब अगर हम इस फार्मूले से देखें तो एन टी इक्वल टू हो जाएगा एन नॉट इंटू 1/2 n, एन टी की वैल्यू क्या है 1/16 है, एन नॉट की वैल्यू क्या होगी 1, भाई इनिशियल अमाउंट जो होगा वो कितना रहा होगा 1, उसी का 1/16 हो गया ना, 16th पार्ट जो होगा वो बचा है ना, ठीक है ना, तो ये 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा 1/2 n हो जाएगा। अगर आप इसको देखिए, 16th को देखिए, तो आप यहाँ पर 2^4 लिख सकते हैं, 2^4 16th होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 n, और यहाँ से रिलेट करके आप देखोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपने कैलकुलेट कर ली कितनी आ गई, 4 आ गई, बट आपको कैलकुलेट तो कर लें हाफ लाइफ, तो आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करोगे तो t हाफ जो होता है ये इक्वल टू होता है t/n, ठीक है ना, तो t क्या है, t वो टाइम है जिसमें ये 1/16 हो गया, तो आप ये देखिए कि कितना में, कितने टाइम में हो गया, 2 hours में, ठीक है ना, और n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ यानी कि 4 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 क्या है r से, 1/2 hours का मतलब कितना है 30 मिनट, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि आंसर जो है वो b आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।